दिस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौकछिया भागलपुर। नए सत्र के लिए नामांकन। नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए करते हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। हीरा बनी महासचिव, नूतन बनी जिला उपाध्यक्ष। अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन नौगछिया में राष्ट्रीय वेबिनार 20 जून को। गोपालपुर पीएम आवास योजना में अवैध वसूली का लगाया आरोप, एसडीएम को दिया लिखित आवेदन। आरपीएफ कमांडेंट ने नौगछिया एवं कटरिया स्टेशन का किया निरीक्षण। गोपालपुर पीएससी से 2 कोरोना मरीज को भेजा गया मायागंज अस्पताल। खरीक में 33,000 केवी तार लगाने आए बिजली विभाग के पदाधिकारी को ग्रामीणों ने खदेड़ा। नौगछिया कोसी नदी के मधरौनी में भीषण कटाव, 2 ठेकेदार द्वारा फ्लड फाइटिंग का कार्य शुरू। नौगछिया महिला थाना के गेट के पास से सिपाही की मोटरसाइकिल की हुई चोरी। शिक्षिका से 1,15,000 की हुई झपटमारी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए झपटमार। नौगछिया में पूर्व प्रधानाध्यापिका के पति को गोली मारकर घायल करने के आरोपी की नहीं हो पाई है गिरफ्तारी। नौगछिया में अधिवक्ता के निधन पर शोक। खरीक में गंगा नदी में डूबने से युवक की हुई मौत। अब खबर विस्तार से। हीरा बनी महासचिव, नूतन बनी जिला उपाध्यक्ष। नारायणपुर प्रखंड के बलहा गांव में गुरुवार को नौगछिया पुलिस जिला के राजद महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अभिलाषा कुमारी ने बलहा निवासी हीरा देवी को जिला महासचिव एवं नूतन सिन्हा को जिला उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत कर पत्र जारी कर दोनों पदाधिकारी को फूलमाला से स्वागत किया है। मौके पर जिलाध्यक्ष अलग निरंजन पासवान, जिला उपाध्यक्ष राम विलास सिंह, प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष अरुण यादव, छात्र राजद प्रखंड अध्यक्ष हेमंत सिंह सहित कई अन्य उपस्थित थे। अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन नौगछिया में राष्ट्रीय वेबिनार 20 जून को। नौगछिया के रंगराम मदरौनी के पास एन 36 के किनारे स्थित अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन नौगछिया में राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन 20 जून को होगा। वेबिनार में साइबर क्राइम एंड रेमेडियल मेसर्स, जो कोविड-19 काल की एक ज्वलंत समस्या है, पर देश के नामचीन विशेषज्ञ अपना वक्तव्य देंगे। वेबिनार के संयोजक सचिव सह अर्जुन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन राजीव रंजन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 में उपजे आर्थिक मंदी में आम आदमी साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं, अतः इस विषय में जागरूकता फैलाना अनिवार्य है। पीएम आवास योजना में अवैध वसूली का लगाया आरोप। गोपालपुर प्रखंड के तिनटेंगा करारी पंचायत के दर्जनों लाभुकों ने एसडीएम नौगछिया को लिखित आवेदन देकर पीएम आवास योजना की पहली किस्त से डरा धमकाकर 15,000 रुपए की अवैध वसूली करने का आरोप आवास सहायक व विकास कुमार यादव पिता छोटे लाल यादव पे लगाया है। अपने आवेदन में लाभुकों ने वीडियो के आदेश पर वसूली करने की जानकारी दी है। लाभुकों ने अपने आवेदन में लिखा है कि हम लोग अनपढ़ व गरीब हैं, 15,000 रुपए नहीं देने पर आवास योजना का लाभ नहीं देने का भय दिखाकर जोर जबरदस्ती रुपया लेने का आरोप लगाया है। वहीं आवेदन में सुधीर मंडल, सालिग्राम मंडल, सुरेश मंडल, जगदम्बी मंडल, सबरी देवी, उचित राय, पूछो सा, रामनाथ ठाकुर, ज्योतिष यादव, प्रमोद यादव व वरुण यादव वगैरह के हस्ताक्षर हैं। पूछे जाने पर वीडियो प्रियंका ने कहा कि पूरे मामले की जांच 3 सदस्यों की कमेटी से करवाई जाएगी, जांचों पर अंत आरोप प्रमाणित होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरपीएफ कमांडेंट ने नौगछिया एवं कटरिया स्टेशन का किया निरीक्षण। सोनपुर मंडल के आरपीएफ कमांडेंट एचएस निवासन ने गुरुवार को नौगछिया आरपीएफ पोस्ट एवं कटरिया स्टेशन का निरीक्षण किया। वे सड़क मार्ग से नौगछिया पहुंचे थे। नौगछिया स्टेशन पहुंचने के बाद वे नौगछिया आरपीएफ इंस्पेक्टर पीएस दुबे एवं आरपीएफ जवानों के साथ कटरिया स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के जवानों से सुरक्षा के संदर्भित जानकारी ली, स्टेशन पर अपराधियों की गतिविधियों के संदर्भित जानकारी ली, साथ ही स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। वहीं मौके पर आरपीएफ के सभी पदाधिकारी एवं जवान मौके पर मौजूद थे। नौगछिया के पीएससी गोपालपुर से 2 कोरोना मरीज को भेजा गया मायागंज अस्पताल। पीएससी गोपालपुर से 2 कोरोना के मरीज को इलाज हेतु मायागंज अस्पताल भेज दिया गया है। एक मरीज गोसाई गांव का एक युवक है तो दूसरा पीएससी की ममता। उक्त जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने दी। पीएससी गोपालपुर में गुरुवार को 25 लोगों का सैंपल जांच हेतु भेजा गया है। 33,000 वाट तार लगाने आए विद्युत विभाग के पदाधिकारी को ग्रामीणों ने खदेड़ा। खरीक विद्युत उपकेंद्र को शीघ्र चालू कराने को लेकर गुरुवार को विश्वकर्मा चौक के समीप 33 केवी तार लगाने के लिए
बिजली विभाग के पदाधिकारियों की टीम दलबल और दंडाधिकारी के साथ मिर्जापुरी नया टोला पहुंचे। 33 केवी का विद्युत तार ले जाने की सूचना पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए और विरोध करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में महिला पुरुष कार्यस्थल पहुंचकर तार लगाने का विरोध करते हुए पूरी ताकत के साथ बिजली विभाग के काम को रोक दिया, जिसके बाद पदाधिकारियों ने मामले की जानकारी खरीक पुलिस एवं सीओ को दी। मौके पर बतौर दंडाधिकारी खरीक सीओ विनय शंकर पंडा और खरीक पुलिस कार्यस्थल पर पहुंचकर लोगों को काफी समझाया बुझाया, लेकिन लोगों ने पदाधिकारी की बात को नहीं माना। बिजली विभाग के पदाधिकारियों ने कहा कि पूरी सुरक्षा के साथ तार लगाया जाएगा, तार के नीचे सुरक्षा कवच लगाया जाएगा, भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लोगों ने कहा कि सड़क के दोनों छोर मिर्जापुरी नया टोला गांव तक घनी आबादी है, विद्युत तार ले जाने से भविष्य में बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए हम लोग मरते दम तक तार नहीं जाने देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि 33 के भी तार इस होकर जाएगा तो आए दिन घटना होगी, इसका जिम्मेवार कौन होगा। पदाधिकारी के लाख समझाने के बाद भी ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हुए। कोसी नदी में मदरौनी में भीषण कटाव, दो ठेकेदार द्वारा फ्लड फाइटिंग शुरू। कोसी नदी के जलस्तर में अचानक भारी वृद्धि होने के कारण मदरौनी में भीषण कटाव शुरू हो गया है। कटाव की सूचना मिलते ही अधीक्षण अभियंता व कार्यपालक अभियंता कटाव स्थल पर पहुंचे और तत्काल दो ठेकेदार द्वारा फ्लड फाइटिंग कार्य प्रारंभ करवाया गया। बताते चलें कि इस वर्ष मदरौनी में 4 करोड़ रुपए की लागत से कटाव निरोधी कार्य करवाया गया था, परंतु कोसी के जलस्तर में वृद्धि होते ही तास के पत्ते की तरह जल संसाधन विभाग द्वारा करवाया गया कटाव निरोधी कार्य कोसी नदी में समाने लगा। कार्यपालक अभियंता इंजीनियर अनिल कुमार ने बताया कि लगभग 500 मीटर में कटाव लगा है, एनसी व बंबू रोल से फ्लड फाइटिंग का कार्य करवाया जा रहा है। नवगछिया महिला थाना के गेट के पास से सिपाही की मोटरसाइकिल हुई चोरी। नवगछिया महिला थाना के पास से अज्ञात चोरों के द्वारा नवगछिया एससी एसटी थाने में पदस्थापित सिपाही आरक्षी जयप्रकाश पासवान की होंडा साइन मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। मोटरसाइकिल चोरी होने के संदर्भ में आरक्षी ने नवगछिया थाने में अज्ञात चोरों के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने का प्राथमिकी दर्ज कराया है। मोटरसाइकिल चोरी होने के संदर्भ में आरक्षी जयप्रकाश पासवान ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से वे थाना परिसर में अपने परिवार बाल बच्चे के साथ रहते हैं। इतने दिनों में वह प्रतिदिन महिला थाना के बगल में अपनी गाड़ी खड़ी कर रखते थे। उन्होंने बताया कि मंगलवार की संध्या 6 बजे उन्होंने अपनी गाड़ी महिला थाना के बगल में लगाकर अपने क्वार्टर में चला गया। रात 10 बजे जब खाना खाकर निकला तो देखा कि मेरी गाड़ी वहां नहीं थी। खोजबीन की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। गाड़ी चोरी होने के बाद आरक्षी ने बिना किसी का नाम लिए थाना परिसर में रह रहे पुलिस पदाधिकारी व पुलिस के जवानों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी व पुलिस बल की मिली भगत से मेरी गाड़ी चोरी करवाई गई है, पूरी साजिश के तहत मेरे साथ इस तरह का कृत्य किया गया है। उन्होंने कहा कि आज मेरी गाड़ी चोरी हुई है, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहां रहता हूं, ऐसी स्थिति में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। नवगछिया थाना अध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने कहा कि मोटरसाइकिल बरामदगी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है, रिपेयरिंग के कार्य चलने के कारण सीसीटीवी कैमरे बंद हैं। शिक्षिका से 1,15,000 रुपए की हुई झपटमारी। खरीक थाना क्षेत्र के खरीक बाजार एसबीआई शाखा से 1,15,000 रुपए की निकासी कर पैदल घर जा रही तुलसीपुर निवासी राजकीय मध्य विद्यालय तुलसीपुर की शिक्षिका इंदु साहा से 2 की संख्या में बाइक सवार झपटमारों ने रुपए से भरा बैग 1,15,000 रुपए छीन कर भाग गया, जिसमें रुपए के अलावा बैंक पासबुक, मोबाइल, आधार व पैन कार्ड का फोटो कॉपी समेत अन्य कागजात थे। उक्त जानकारी देते हुए पीड़िता शिक्षिका ने बताया कि जैसे ही बैंक से रुपए निकाल कर बाहर निकली, वहां से घर के लिए कुछ दूर पैदल चली ही थी कि पीछे से 2 की संख्या में आ रहे बाइक सवार झपटमार ने बैग छीनकर भाग गए। इस घटना को झपटमारों ने थाने से 100 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया है। घटना के बाद शिक्षिका का रो रोकर बुरा हाल है। मामले को लेकर शिक्षिका ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन दिया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही खरीक पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, किंतु कोई सफलता हाथ नहीं लगी। बताते चलें कि खरीक में झपटमार गिरोह का आतंक चरम पर है। 2 दिन पूर्व भी ध्रुवगंज के एक वृद्ध का 54,800 रुपए झपटमारी हुई थी, किंतु अब तक झपटमार की पहचान नहीं हो पाई है। पूर्व प्रधानाध्यापिका के पति को गोली मारकर घायल करने के आरोपी की नहीं हो पाई है गिरफ्तारी। नवगछिया थाना क्षेत्र के नवगछिया नगर पंचायत वार्ड 17 निवासी रुमटा बालिका उच्च विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापिका रेखा सिन्हा के घर पर मंगलवार की देर रात अपराधियों द्वारा जेसीबी से 4 दीवारी तोड़ने एवं गोली मारकर पूर्व प्रधानाध्यापिका के पति इंद्रमोहन सिंह को घायल करने के मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी पुलिस मुख्य आरोपी सहित अन्य की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। मालूम हो कि मंगलवार की देर रात गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा निवासी विभूति यादव ने अपराधियों के साथ उनके घर पर धावा बोल दिया। इस दौरान उन्होंने जेसीबी से उनके घर की 4 दीवारी तोड़ दी एवं इंद्र मोहन सिंह को गोली मारकर जख्मी कर दिया।
गोली इंद्रमोहन सिंह के दाहिने हाथ में लगी है। नौगछिया थाना अध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने कहा कि घटना में शामिल आरोपी विभूति यादव सहित अन्य अपराधियों को पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो भगवान या संजोग बस बच गए, हमला ऐसा था कि उसी समय इनकी जान जा सकती थी। मैं जब खून गिरना शुरू हुआ तो गोली हम ऐसे नजर किए कितना खून जा रहा है, तो उसी जगह पे हमें गोली भी मिला जिसको क्या मैंने प्रशासन हाँ, से आपकी कोई मांग है? हाँ, प्रशासन से हमें मांग है कि मैं आज एक सप्ताह से ऊपर हो रहा है, सीओ साहब के यहाँ आवेदन जमा की हूँ, रसीद का पैसा भी, कि यथाशीघ्र मेरे जमीन की नाप करवा करके हमें सुरक्षित किया जाए। चूंकि मेरा बाउंड्री गिरा हुआ है, उस बहाने गेट भी वो तोड़ दिया, तो मरम्मत हाँ, वो मरम्मत भी करवा, वो हर को तो खतरा है तत्काल, हमको ऐसा ही अभी उसके तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारी मांग ये है, हमारा ये अभी फिर उस सीओ का नहीं, अभी जो सीओ साहब के यहाँ है उनकी जानकारी में थानेदार की सभी थाने उसका हम प्रॉपर जो फीस होता है रसीद का टाग दे दिए हैं कि मेरी पूरी जमीन नाप दो, उसका भी भ्रम दूर करो और फिर करना, लेकिन ये बीच में ये काम कर दे। अधिवक्ता के निधन पर शोक। नौगछिया व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता खरीक थाना क्षेत्र के खरीक कटेला निवासी शंकर प्रसाद चौधरी का निधन बुधवार को हो गया। अधिवक्ता के निधन पर गुरुवार को नौगछिया व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता भवन में नौगछिया बार एसोसिएशन द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत अधिवक्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर अधिवक्ता संघ के महासचिव जय नारायण यादव, नीरज झा, रजनीश कुमार सिंह सहित कई अन्य अधिवक्तागण मौजूद थे। खरीक, गंगा नदी में डूबने से युवक की हुई मौत। गंगा नदी में नहाने के दौरान काजी कोरिया घाट के समीप गुरुवार को खरीक बाजार निवासी कपिल देव झा का 30 वर्षीय पुत्र कुमार गौरव की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय गोताखोर के सहयोग से देर शाम नदी से शव बरामद कर लिया गया। मामले की जानकारी होने पर खरीक पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार मृतक गंगा में नहाने गया था, नहाने के दौरान पैर फिसलने से युवक डूब गया। नवगछिया, भागलपुर सहित आसपास जिलों की खबरें हेतु सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और साथ ही सदस्य बने हमारे जीएस न्यूज परिवार के। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294-855-586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। भागलपुर की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में आज भी सर्वोत्तम स्थान पर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, सीबीएसई अफिलियेटेड सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल। नामांकन प्रारंभ है कक्षा नर्सरी से नवम तक। हमारा पता है दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, दीक्षा नगर, इब्राहिमपुर रोड, सबौर, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9934-855-177 9935-5177। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्र छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध। नौगछिया अनुमंडल तथा भागलपुर के सभी क्षेत्र के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल।